हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन एकेडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की फेवरेट क्लास में 9 PM जो हम लोग डेली करते हैं यहाँ पर SSC एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग गाइज, ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग। चलिए गाइस, सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को सबसे पहले फटाक से लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबसे पहले फटाक से सेशन को लाइक शेयर करें, उसके बाद से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। ओके, चलिए एवरीबॉडी रेडी। चलिए रेडी हो तो सब लोग जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दो। जो लोग भी हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कब कब कौन सी क्लासेस चलती हैं वो मैं बता दूंगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या जी। चलिए जो भी हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं भाई? आप लोग भी आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं फिर अपन लोग। ऑल ऑफ़ यू वेरी गुड इवनिंग। एक बार से मैं बता देती हूँ हमारी जो क्लासेस है कब कब किस किस टाइमिंग्स पे लग रही हैं, ठीक है? और फिर अपन स्टार्टिंग करते हैं। ओके, और हमारी कौन कौन सी टाइमिंग्स पे कौन कौन सी क्लासेस चल रही है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? चलो बढ़िया, स्टार्ट करें। आज क्लॉक पढ़ने वाले हैं, घड़ी फिर से, ठीक है? फिर से पढ़ते हैं, है ना? आज तो समझ में आ ही जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का टाइमिंग जो लिखा हुआ है, आप लोग वो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले जो हमारी क्लासेस का टाइमिंग है उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमारी क्लासेस है वो कौन कौन से टाइमिंग्स पे लगती हैं। सबसे पहले आप लोग की क्लास लगती है यहाँ पे रात के 9 बजे इसी चैनल पर, सुबह में 10 बजे लगती है। दो क्लासेस चल रही हैं अभी, ठीक है? एंड वन मोर थिंग गाइज, इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है? इस चैनल पर आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी चैनल है टेलीग्राम वाली, रितिका तोमर ऑफिशियल, मेरा चैनल है, मैं इसे चलाती हूँ। अगर आप यहाँ ज्वाइन करोगे तो इससे आप लोगों को बहुत सारे फायदे होंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं पे मिलेगी। दूसरी बात, मेरी कोई सी भी क्लास स्टार्ट होती है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो अन अकेडमी पे हो, उसका लिंक आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा। ये मेरा चैनल है, मैं इसी को चलाती हूँ, ठीक है? यहाँ पर लिंक शेयर मैं खुद करती हूँ अपने हाथ से, तो आप यहाँ पर ज्वाइन करें जिससे आपको लिंक मिलेगा। अन अकेडमी की जो क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं, जो टॉप वाली क्लासेस है, आपको पता ही है, आप सभी 11 बजे के टाइमिंग पे सुबह सुबह जुड़ सकते हैं, शाम में 4 बजे। फ्री क्लासेस जो चल रही हैं डेली, रात में 10 बजे इसी के बाद लगती है, एक लगती है रात में 11 बजे, ठीक है? तो ज्वाइन कर सकते हैं आप सभी लोग, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे, सुबह में 11 बजे, शाम में 4 बजे। कोड रितिका10 लगाना और नाम रितिका तोमर आप लोग सर्च कर सकते हैं एंड अन अकेडमी पर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और अन अकेडमी वाले क्लास का लिंक देखो यहाँ से भी मिल जाएगा आप लोगों को, है ना? गुड इवनिंग। देखो अन अकेडमी वाले क्लास का लिंक यहाँ पे भी लगा हुआ है, दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा होगा आप सभी को, यहाँ ऊपर लगा है, लिख रहा है, जिस पे लिखा है रितिका तोमर फॉलो, रितिका तोमर और अन अकेडमी। ये मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल है, दिख रही होगी। इस पे क्लिक करोगे आपकी इसकी 10 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसी के बाद जो क्लास रहती है, ठीक है? अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, है ना, तो आप लोगों की 10 बजे वाली क्लास इसी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी। मेरी ऐप की वो लिंक है, मेरी प्रोफाइल लिंक है, ठीक है? तो जुड़िए, टाइमिंग्स यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और अभी लाइक शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। सुबह में क्लास हुई थी भाई, हुई थी, सारी क्लासेस हुई थी, 10 बजे हुई थी, 11 बजे हुई थी, सब क्लासेस हुई थी, ठीक है? चलिए, टाइमिंग्स आपको पता है, 11 बजे, शाम में 4 बजे, रात में 10 बजे, और उसी के बाद 11 बजे एक और सेशन में लेती हूँ, स्पीड बूस्टर वाला। ये सेशंस अभी चल रहे हैं, ठीक है? रितिका10 कोड लगाना, डायरेक्टली ज्वाइन करें। ओके, अभी रेडी वाला कमेंट कर दो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, और कोड आपको पता ही है, चाहे फ्री क्लास हो, चाहे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो, रितिका10 कोड लगाएंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए 20% का डिस्काउंट हो जाएगा, कॉइन्स के साथ यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? फ्री क्लास के लिए भी यही कोड आप लगा सकते हो, ठीक है? ओके, चलिए रेडी। अरे फ्री है भैया, फ्री क्लास है ना, फीस नहीं है उसकी कुछ भी। जो मैं फ्री क्लासेस के बारे में बता रही हूँ, जिन क्लासेस के बारे में, उनकी कोई फीस नहीं है, वो फ्री क्लासेस हैं, इसीलिए इतने बार बताया जाता है क्योंकि फ्री क्लासेस होती हैं, है ना? और ये जो लिंक लगी रहती है आप लोगों की, जो यहाँ पे लगी है सबसे ऊपर, वो आपकी फ्री क्लास की लिंक है, जो इसी के बाद होती है हमारी टॉपिक वाइज 10 बजे से रात के, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, हाँ, उसके लिए कोई फीस नहीं 10 बजे वाले के लिए, ठीक है? जो टॉपिक वाइज इसीलिए चलाया हुआ है क्योंकि अभी आप लोग के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? और चल रही है अभी 2-3 महीने से, 3 महीने से लगातार चल रही है रात के 10 बजे वाले क्लास टॉपिक वाइज, क्योंकि चल रही है बिकॉज अभी पेपर भी हैं, एग्ज़ाम्स भी है सभी लोगों के, तो आप लोगों की तैयारी हो जाएगी बढ़िया तरीके से। चलिए रेडी, हाँ, सारी क्लासेस चल रही है, यही तो बात है, आप लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हो, कभी क्लास नहीं मिलती, है ना, कभी कुछ
नहीं भाई, सब कोई बोलते हैं पेड क्लास है, कोई पेड क्लास नहीं भाई, सारी फ्री क्लासेस है। ये तुम लोगों को भड़काया जाता है, सब लोग चाहते हैं ताकि कंपटीशन ना बढ़े, जो बोलता है ना पेड है, तो ताकि चाहते हैं कि कंपटीशन ना बढ़े, वो तो फ्री क्लास खुद करते हैं, दिन भर छः छः क्लासेस करते हैं, तुम लोगों को मना कर देते हैं। तो भैया सारी फ्री क्लासेस चल रही है, मैं बोल रही हूँ ना, लिंक पे क्लिक करो, सीधे जुड़ जाओ, क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है? तो उन पे भरोसा मत करो जो कह रहे हैं कि पेड क्लास है, सारी फ्री क्लास चल रही है, जितना भी बताया जा रहा है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो ना यार, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है? उससे फिर आप लोगों को कोई वो नहीं होगा, है ना, कोई भटकोगे नहीं आप लोग, डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ लिंक मिल जाएगी, एंड लिंक पे क्लिक करके क्लास में ज्वाइन करना, ठीक है? तो कोई आपको भटकाएगा नहीं, ओके? चलो अभी हम लोग क्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा बेसिक्स बता दूँ, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, ये आपका क्लॉक है यार, क्लॉक में बेसिक सी चीज़ें होती हैं कुछ, एक हमारा मिनट वाला हैंड होता है, एक हमारी घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, ठीक है? सबसे बेसिक वाली चीज़ें हैं ये, जो थोड़ा हम लोग देखते हैं, है ना? अच्छा सुनो, जो आपको इस तरीके के ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जैसे आप लोग के पास घड़ी में ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना? बताओ पूरे कितने ब्लॉक्स होते हैं ऐसी घड़ी में हमारे पास, पूरे घड़ी में हमारे पास कितने ब्लॉक्स होते हैं? बहुत छोटी सी चीज़ पूछ रही हूँ, सिंपल सी, ठीक है? सिंपल सी चीज़ पूछ रही हूँ आपसे कि पूरी घड़ी में कितने ब्लॉक्स होते हैं, बताइए। पूरे घड़ी में कितने ब्लॉक्स होते हैं? 12 होते हैं ना ऐसे? वेरी गुड, अब इसी से देखना आपका पूरा डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, 12 ब्लॉक्स होते हैं, राइट? और ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है बताओ, 360 का, ये तो सबको पता ही होगा। तो एक चक्कर कितने का हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? एक ब्लॉक, अगर 12 ब्लॉक 360 डिग्री के हैं, तो एक ब्लॉक कितने का होगा? 30 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये जो ब्लॉक है, ये 30 डिग्री का हो गया, बताओ हो गया कि नहीं, आ गया समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक का कितने का होगा? 60 डिग्री का। यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब सोचो कि ये जो ब्लॉक है 5 मिनट का होता है, अगर 5 मिनट बराबर 30 डिग्री है, 5 मिनट का होता है ना ये, 12 से 1 के बीच का ब्लॉक 5 मिनट का होता है, यहाँ पे पता ही होगा आपको 30 डिग्री का है, तो बताओ 1 मिनट बराबर कितने का हो जाएगा? 6 डिग्री। लो बताओ, आ गया डेरिवेशन, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हो, लिख लीजिएगा, ठीक है? ओके, तो 1 मिनट बराबर होता है आपका 6 डिग्री, ये आपकी मिनट वाली सुई की स्पीड है, मिनट वाली सुई जो होती है हमारी, निडल होती है, मिनट वाला जो हैंड होता है, उसकी स्पीड यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? ये याद रखना, स्पीड है आपके, बार बार काम आएगा, मिनट वाला है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं घंटे वाली सुई की स्पीड के बारे में। चलो बताओ, ये घंटे वाली सुई 3 बजे यहाँ पे है, 4 बजे कहाँ आ जाएगी? 4 पे। तो बता सकते हैं मुझे 1 घंटे में कितना कवर किया इसने, 1 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितना कवर किया, बोलो भैया। 1 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितना कवर किया, कितना चला वो बताओ मुझे, कितना चला, कितना चला, एक घंटे में घंटे वाली सुई ने कितना चला वो तो बताओ, पहले 3 पे थी, अभी 4 पे आ गई, 1 घंटे में सिर्फ इतना ही चल पाया है, ये देखो इतना चल पाया। और ये ब्लॉक कितने डिग्री का होते हैं? 30 डिग्री का, यानी कि इसका भी डेरिवेशन हम लोग निकाल लेते हैं, बिल्कुल सही, 1 घंटे बराबर 30 डिग्री, राइट? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर मैंने घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे बराबर 30 डिग्री लिख दिया, तो किसी को कोई डाउट है क्या, बता दो मुझे, किसी को कोई डाउट है क्या? अगर मैंने घंटे वाली सुई के लिए 1 घंटे बराबर 30 डिग्री लिख लिया, तो कोई किसी को डाउट है नहीं, है ना? अब बताओ भैया 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट्स होती है, 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, यहीं से मिनट की वैल्यू निकाल लो, 1 मिनट बराबर आ जाएगा हाफ डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। घंटे वाली सुई 1 मिनट में सिर्फ आधे डिग्री की रफ्तार से चलती है, जस्ट हाफ डिग्री, ओके? और मिनट वाली सुई 6 डिग्री, ये रहा, ये मिनट वाली सुई का डेरिवेशन है और ये घंटे वाली सुई का डेरिवेशन, ओके? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं हम लोग, ताकि जिससे कि हमें और भी निकल जाए, ठीक है? चलो याद रखिएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही वाला डेरिवेशन यहाँ लिखा है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री की रफ्तार से चलती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री की रफ्तार से चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप याद भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे ये वाला सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा, ये आप लोगों से ईजिली सॉल्व हो जाएगा, चेक करो जरा,
चेक करो। देखो अगर एक घड़ी में दोनों सुइयां जो होती हैं हमारी, साफ साफ लिखा है, 4 मिनट की दूरी पर है तो उनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ। 1 मिनट बराबर कितना होता है, अभी बताया था 6 डिग्री होता है, तो 4 डिग्री। अगर 4 मिनट की दूरी पर है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 6 × 4 बराबर 24 डिग्री। बताओ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, तुरंत आ गया। ये पेपर में ऐसे ही पूछता है, डायरेक्टली तुरंत आ जाता है। अब हम एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या होता है यार, चलो एंगल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। देखिएगा गाइस, मैं एंगल के बारे में आपको समझा रही थी। ये एंगल होता है हमारा, देखना, ये एंगल है, इसको एंगल कहते हैं। जैसे 3 बज रहे हैं, ठीक है, ये घड़ी में 3 बज रहे हैं और 3 बजे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं इसको, आंतरिक कोण, लिख लीजिएगा हिंदी में आंतरिक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इंटरनल एंगल। जो दोनों सुइयों के बीच में छोटा सा एंगल बनता है उसको इंटीरियर एंगल कहते हैं, हिंदी में आंतरिक कोण कहते हैं, ठीक है, ओके, याद रखिएगा। और जो एक और एंगल बनता है, देखो 3 बजे एक और एंगल बन रहा है बाहर की साइड पे, ये वाला भी तो एंगल है, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल या फिर बाह्य कोण, लिख लीजिएगा हिंदी में बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इंग्लिश में, और रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं, परावर्तन कोण भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, एंगल्स हमारे 2 बनते हैं एक ही बार में, ठीक है, हाँ, एक ही बार में, एक ही टाइम पर, चाहे टाइम कोई सा भी हो रहा हो, एक ही बार में 2 एंगल बनते हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। ये दोनों हमारे मिनट वाले और घंटे वाले सुई के बीच में बनते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, ओके। अब पहचानेंगे कैसे, सपोज दैट एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, चलो ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये कौन सा एंगल है बताओ, पहचानेंगे कैसे, 210 डिग्री एंगल कौन सा है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, कैसे पहचानेंगे बताइए ज़रा। इसका भी एक तरीका है, वो मैं बताती हूँ अभी, पहले आप चेक करो कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। हो जाएगा 210 कौन सा है भैया, एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 से बड़ा होता है, जो 180 से बड़ा होगा वो कौन सा होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, और जो 180 डिग्री से छोटा होगा वो इंटीरियर एंगल होगा, लिख लीजिएगा। अगर 180 से छोटा एंगल होगा तो वो इंटीरियर होगा, छोटा सा कोण, आंतरिक कोण, इंटीरियर 180 से छोटा होता है, और अगर 180 से बड़ा होता है तो वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और दोनों 360 से बड़े नहीं हो सकते, 360 के अंदर आने चाहिए, दोनों का एडिशन 360 होता है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर दोनों को मिलाकर 360 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि घड़ी का जो पूरा चक्र है वो 360 डिग्री का होता है, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो अगर 210 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, लिख लो भैया जो भी बताया जा रहा है, लिख लो इसको, चेक कर लो एक बार, देख लो। सारे लोग पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ में, ठीक है। हो गया, चलिए डन। तो अब तो समझ जाओगे कि कौन सा एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे 3 बजे बताइए जरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कोई बता सकता है बिना ऐसे ही विदाउट फॉर्मूला के, कोई बता सकता है कि 3 बजे घड़ी के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, बताओ। हाँ यार, ये बताया था अभी 30 डिग्री का है, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री का है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 90 डिग्री का होता है, सामने लिखा हुआ है वैसे भी 90 डिग्री का होता है कि नहीं। अच्छा मुझे और बताना, चलो मैं और पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेती हूँ। सारे ब्लॉक्स 30 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताना कि घड़ी में जब मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है 5 बज रहे हैं मान लो, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 5 बजे, बताओ जरा 5 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ 5 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताइए, 3 का तो बता दिया, 5 बजे कितने का बनेगा, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का बताओ, 90 ही हो गया, 120, 150 हो जाएगा ना, ये 30 × 5 से कर देंगे, राइट, इंटीरियर एंगल, ठीक है, 150 डिग्री का, ओके। तो फिर अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि मान लो अगर घड़ी में बज रहे हैं
सात, तो कितने डिग्री का इंटीरियर एंगल बनेगा बताइए। इंटीरियर पूछ रही हो, आंतरिक कोण पूछ रही हो, कितने डिग्री का बनेगा बताना जरा, बताओ जरा फटाफट से। सात बजे कितने का बनेगा चेक करो, गलत मत करिएगा, पूरा अच्छे से देखकर तब बताना। कैलेंडर क्वेश्चन सिलेबस में है, अभी आ नहीं रहा है, आगे आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है CHSL के पेपर में, सात आठ दिन से जो हो रहे थे, ठीक है, आगे आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, सिलेबस में है, मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है, आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। कौन सा एंगल बताओ, 210 का गधों, इंटीरियर पूछ रही थी मैं, गधों, गधा वर्ड तो बोलना ही पड़ेगा, इंटीरियर पूछ रही थी मैं, इंटीरियर ये होगा इस बार, उल्टा उल्टा यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इंटीरियर 180 से छोटा होना चाहिए, 150 का, तुम लोग 210 बता रहे हो यार, मैंने आंतरिक कोण पूछा, 210 बता रहे हो तुम लोग, ठीक है, जबकि इंटीरियर एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, बताया था। चलो इतना है, क्लियर है। अब ये तो मतलब है ना ये तो आपका प्रॉपर एंगल, अगर हमने पूछा 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 10 बजे, ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने बता दिया ऐसे, है ना, किस तरीके का है, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है तो डायरेक्टली आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे, ठीक है। अब मान लो अगर मिनट वाले पूछे जाए, ठीक है ना, मिनट वाले पूछे जाए, ठीक है, कि अगर इतने बज के इतने मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कैसे निकालेंगे, है ना, वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं थोड़ा सा, मान लो आपसे पूछा गया घड़ी में 7:40 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे, है ना। चलो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। चलो इसको बताओ, जैसे ये सवाल है हमारा, ठीक है, कैलेंडर वाले क्वेश्चन अभी 2 दिन से करा रही थी यार, रोज़ रोज़ नहीं करा सकती मैं, ठीक है। एक काम करो, सारे लोग टाइमिंग नोट कर लो क्लास का, 9 बजे का टाइम है मेरा इस क्लास का, और टॉपिक्स जो पढ़ते हैं वो इसके बाद वाली क्लास में पढ़ते हैं, 10 बजे वाली में, ठीक है, 9 बजे का रोज का। 2 दिन से कैलेंडर चल रहा था, अब आज कैलेंडर नहीं पढ़ा रही हूँ, 2 दिन से पढ़ा रही थी, अब फिर से कभी जब 2-3 दिन बाद हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लेना, रोज़ रोज़ कैलेंडर नहीं पढ़ा सकती, 2 दिन से पढ़ा रही हूँ इसी क्लास में 9 बजे वाले में, आज के बाद आप डेली आना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ओके। और इसके बाद 10 बजे वाले क्लास में आया करो, वहाँ टॉपिक चल रहे हैं, वहाँ भी पढ़ो क्लॉक कैलेंडर जितना पढ़ना है। 10 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर होती है, फ्री वाली, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो अनअकैडमी वाली क्लास है, लिंक दिख रहा है यहाँ पे, सभी को दिख रहा है, यस बोल दीजिएगा, ये जो लिंक है ना ऊपर ब्लू कलर का जिसमें लिख रहा है फॉलो रितिका तोमर ऑन अनअकैडमी, ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है, जैसे आप इस प्रोफाइल पे जाओगे आपको 10 बजे की क्लास यहाँ पे लाइव दिख जाएगी, ठीक है, ओके। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी 10 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, इसके बाद वो भी टॉपिक वाइज रहती है, ये जो पढ़ा रही हूँ ये भी टॉपिक, 10 बजे वाली में स्पेशली मैं टॉपिक ही कराती हूँ, 0 से Hero वाले, वो 0 से Hero बैच है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज का 10 बजे वाले क्लास का जो टॉपिक है वो रहेगा डाइस एंड रैंकिंग, ठीक है, पासा और रैंकिंग, ठीक है, पासा और रैंकिंग पढ़ाऊंगी। कितने लोगों को ज्वाइन करना, कितने लोगों को नहीं आता पासा रैंकिंग बताइए, पासा रैंकिंग बहुत दिन से लोग पढ़ना चाह रहे थे, कितने लोगों को नहीं आता है। अभी यहाँ देख क्लॉक चल रहा है तो वहाँ पासा चलेगा, रैंकिंग चलेगा, कल यहाँ दूसरा चैप्टर चलेगा तो वहाँ पे दूसरा चलेगा ऐसे, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 बजे उसी के बाद रहती है हमारी स्पीड बूस्टर वाली क्लास, ठीक है, तो आज पासा पढ़ेंगे और रैंकिंग पढ़ेंगे 10 बजे वाले क्लास में, ठीक है ना, तो ज्वाइन कर लेना सारे लोग। और कैलेंडर अभी 2 दिन से यहाँ चल रहा था, अब 10 बजे वाले क्लास में 1-2 दिन बाद स्टार्ट करूँगी तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो 10 बजे वाली क्लास में जो आज आना चाहे आ सकते हैं, लिंक ऊपर दी गई है आपके कमेंट सेक्शन पे भी, और मैं टेलीग्राम पे भी लिंक डाल देती हूँ जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो आज वहाँ पे डाइज और रैंकिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताओ यार, कोई टाइम चेंज नहीं हुआ है, पुराना टाइम है भैया, कौन सा टाइम चेंज हो गया, सही तो है टाइमिंग, वही है टाइमिंग, 9 बजे का है इस वाली क्लास का और 10 बजे का रात का है, किसी क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ भाई, जो पुराना टाइमिंग था वही चल रहा है, कोई क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है, ये वाली 9 बजे हमेशा ही होती है और इसके बाद वाली 10 बजे होती है अनअकैडमी पर, किसी क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं गाइस, पहले तरीके का सवाल यहाँ लिखा हुआ है टाइप 1, ठीक है, देख लो भैया टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपको कोई समय दिया जाए उस पर आपसे पूछ रहा है घड़ी की सुइयों के बीच आंतरिक कोण क्या होगा, ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस सवाल में लिखा है आंतरिक कोण निकालना है, इंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। आप लोग जो पूछना चाहते हो ना, जैसे आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं,
उनके जवाब मैं पहले ही दे देती हूँ बिना ही आपके पूछे, बस सुनते जाया करो कान खोल के, जो 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 जरूरी चीज़ें हैं वो पहले ही बता दूंगी। इस सवाल में आंतरिक कोण पूछा गया है, साफ साफ लिखा है कि इंटीरियर एंगल निकालना है। किसी भी सवाल में अगर ऐसा होता है कि लिखा ना हो क्वेश्चन में कि कौन सा एंगल निकालना है, देन आप लोग आंतरिक कोण ही निकालोगे, आपको इंटीरियर एंगल ही निकालना है, ठीक है। इंटीरियर ही पूछा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल अगर पूछेगा, आउटर एंगल अगर पूछेगा, बाह्य कोण अगर पूछेगा तो वो लिख कर देगा क्वेश्चन में कि बाहरी वाला निकालना है, यहाँ पे इंटीरियर पूछा है तो हम निकालेंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, लिख सकते हो आप लोग, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, कैसे अप्लीकेबल करना है मैं बताती हूँ और कैसे आया वो भी बताती हूँ, लिख लीजिए इसको। एंगल बराबर 1/2 16 आवर्स माइनस 11 मिनट, लिख लो भैया इस फॉर्मूले को, नोट डाउन कर लो, इसी से पूरा क्लॉक हो जाएगा आपका, इस एक फॉर्मूले से आप लोग पूरा क्लॉक सॉल्व आउट कर सकते हो, लिख लो भैया जल्दी से इस फॉर्मूले को, लिखो साफ साफ। साधना जी रूल्स ही पढ़ा रही हूँ बेटा आधे घंटे से, और क्या पढ़ा रही हूँ, पढ़ो तो, रूल्स ही तो पढ़ा रही हूँ और क्या पढ़ा रही हूँ। हर क्लास का नोटिफिकेशन आ रहा है भैया, नोटिफिकेशन का वेट करते मत बैठे रहा करो, ठीक है। हर क्लास का नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आ जाता है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लिंक आ जाती है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आता है, इंतज़ार करते बैठे मत रहा करो, जब टाइमिंग्स पता है तो अपने आप क्लास में आ जाया करो, पढ़ने वाले लोग खुद ही आ जाते हैं क्लास में, नोटिफिकेशन का वेट करते रहोगे तो करते ही रह जाओगे। हो गया, देखिए एंगल बराबर, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, 5:23 का जो समय पूछा गया है वो पूरे दिन में कितने बार बनता है बताइए, ये समय कितने बार बचता है, एक बार या दो बार, एक बार या दो बार, पूरे दिन में 5:23 कितने बार होंगे घड़ी में, दो बार होंगे ना, एक बार सुबह के 5:23, एक बार शाम वाले, ठीक है। और दोनों टाइमिंग पर एंगल सेम बनेगा या अलग बनेगा इतना बता दो बस मुझे, तब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ। दो बार और एंगल सेम बनेगा ना दोनों के बीच में, 5:23 पर एंगल भी सेम ही बनेगा यार, जब घड़ियाँ सेम पोजीशन पे तो एंगल भी सेम बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसीलिए हाफ किया गया यहाँ पे, क्योंकि अपन को एक ही बार का टाइमिंग निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन में कभी एएम पीएम नहीं दिया रहता कि 5 का सुबह का निकालो या शाम का, क्योंकि दोनों टाइम पर एंगल तो सेम ही बनता है, इसलिए सवाल में एएम पीएम कभी नहीं दिया जाता, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 1/2 आएगा, इसमें आधा निकालना है, एक घंटे में 60 होते हैं, इसलिए 60 से इंटू किया गया है घंटे का, माइनस 11 मिनट, ठीक है, क्योंकि पूरे 12 घंटे में 11 चक्र बनते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं हम 12 बजे को घड़ी की भाषा में 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, घड़ी की भाषा में 12 बजे को 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं ना, बस उसी भाषा में इसको थोड़ा सा ईजी बना दिया है, आसान बना दिया है। 1/2 यही लगाना है आपको हमेशा फॉर्मूला एंगल निकालते समय, 1/2 16 आवर माइनस 11 मिनट, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। देखो आपसे पूछा गया था 5:23 पर एंगल निकालें, आप फॉर्मूला लगाइए 1/2 16 आवर, मतलब जो यहाँ पे पूछा गया है 5 माइनस 11 मिनट, कौन सा रखेंगे जो यहाँ पे है, जो दिया गया है क्वेश्चन में पूछा गया है 23वां मिनट, अब सॉल्व कर लो यार, मैथ्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, 1/2 यहाँ आएगा 300, यहाँ आ जाएगा 253, घटा दीजिएगा 47, ये मॉड्यूलस लगा है, मैथ्स में याद पढ़ते हो ना मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो 47 को 2 से डिवाइड करोगे तो 23.5 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि आपके पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ था, आंसर आ गया 23.5, बताओ क्लियर है ये वाला आंसर, अब निकाल लोगे जितने भी एंगल पूछे जाएंगे निकाल लोगे। ठीक है, अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो निकाल लीजिएगा इसी वाले फॉर्मूले से, पूरी घड़ी में अब हमें दूसरा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी फॉर्मूले से हम लोग पूरा क्लॉक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए और आज इसके बाद की अगले वाली क्लास को भूलिएगा नहीं, 10 जो हमारी टॉपिक वाइज रहती है उसमें आज डाइस और रैंकिंग पढ़ेंगे हम लोग, सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना, एक ही दिन में दो टॉपिक क्लियर। ऊपर लिंक लगी हुई है, ये लगी है अनअकैडमी वाली लिंक, प्रोफाइल लिंक, यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस लाइव चलते हुए दिखेंगी, ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका निकालो यार, 6:18 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बनाओ जरा, अब तो बना दो यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब तो गलत मत करना, जल्दी जल्दी जल्दी,
हो गया, चलो हो जाएगा ना इजीली, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल सकते हो अगर आपको याद है तो। ठीक है, इधर घंटे की जगह 6 रखेंगे, माइनस 11 इंटू मिनट की जगह क्या रखेंगे आप, 18 रख दोगे। निकालिएगा भाई आराम से, पूरा क्लॉक बेसिक ही क्वेश्चन पूछता है, आप आराम से निकाल सकते हो, सिर्फ बेसिक सवाल क्लॉक में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 162, जिसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 डिग्री आएगा। अब ये भी गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, मैथ्स के कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, ये तो गलत होने नहीं चाहिए किसी भी हालत में, है ना। गणित नहीं सॉल्व कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ये बताओ, अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अच्छे से देखो पहले फिर आंसर करना, थोड़ा सा अलग है इस बार सवाल। साढ़े चार पर घड़ी की सुइयों के बीच में आपकी बार कौन सा कोण पूछ रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में परावर्तन कोण पूछा गया है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है एक्सटीरियर एंगल, वही पूछा गया है हम लोगों से। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वाला हमसे पूछा गया है यहाँ पे। तो जब भी हमसे एक्सटीरियर एंगल निकालने को पूछेगा उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे जिससे अभी तक निकाल रहे थे, तरीका थोड़ा अलग है। पहले हम आंतरिक कोण निकालेंगे, ठीक है, निकाल लो 1/2 16 इंटू आवर, कौन सा आवर है यहाँ पे, 4 है, माइनस 11 इंटू मिनट, कौन सा मिनट है यहाँ पे, 30वां मिनट पूछा गया है। निकालिए ज़रा 1/2 240 माइनस 330 90/2 45 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये जो कोण आता है वो इंटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम हर वैल्यू को 360 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। ठीक है, समझ गए। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल मान लो अगर पूछा जाता है तो पहले आप फॉर्मूले में रख के आंतरिक कोण निकालें, बस उसे 360 से घटा दीजिए, इतना ही करना है हमें, छोटा सा काम करना है बस। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 से घटा सकते हैं, आ जाएगा दोनों समझ में, दोनों कर लोगे। हाँ भैया, MTS में रीजनिंग आया, ऐसी कोई पेपर होती है जिसमें रीजनिंग नहीं आती है, कैसे सवाल है ये, MTS में रीजनिंग आएगा। हाँ भाई, बराबर आता है, जितना मैथ आता है उतना ही रीजनिंग है, कोई पेपर जिसमें रीजनिंग नहीं आती है ऐसा कोई पेपर नहीं है मेरे भाई। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग आती है, उसके बिना कैसे दिमाग का, तुम लोग के दिमाग का टेस्ट कैसे लेंगे, दिमाग एक ही सब्जेक्ट में लगता है रीजनिंग में, वो भी नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग जो होता है दिमाग वालों का काम होता है ना, वही नहीं पूछा जाएगा तो पेपर में क्या पूछेगा भैया। चलो डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। याद रखिएगा इसके बाद की क्लास आज जो 10 बजे वाली है, टॉपिक वाइज वाली जो हमारी रहती है, आज उसमें हम लोग डाइस पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे, पासा और रैंकिंग। ठीक है, इसी के बाद भूलिएगा नहीं मिस। ठीक है, फ्री क्लास है, ऐप पर होगी। चलो इसका आंसर निकालो फटाफट से, जल्दी से। इंक जो आपकी लिंक है ना वो इसके बाद वाले क्लास की वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आपका जो ये सेक्शन है कमेंट सेक्शन जहाँ आप आंसर्स करते हो, लिंक ऊपर दिया गया है। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको मेरी क्लासेस वहाँ दिख जाएगी, स्पेशल क्लास लाइव दिख रही होगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास को। ठीक है, स्पेशल क्लास लाइव, स्पेशल क्लास का ऑप्शन आ रहा होगा लाइव का।
हो गया, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद की जो क्लास है ऊपर लिंक लगी, और टेलीग्राम चैनल जो मेरा आप सबने ज्वाइन कर रखा है और नहीं करा है तो अभी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी लिंक आ जाइए ताकि क्लास मिस ना हो, डायरेक्टली लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बनेगा इसमें आंसर 12:01 पर? देखो यार, आपने अगर 6 डिग्री लगाया तो ये गलत है, एंगल वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया है, उससे निकाल के लगा सकते हो, वैसे अपन इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 डिग्री गलत है। देखिए मिनट वाली सुई के हिसाब से 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, वो तो ठीक है, 12:01 का पूछा है तो घंटे वाली सुई भी तो मूव करती है ना साथ में, दोनों साथ में मूव करती हैं आधा डिग्री, तो वो भी मूव करेगी। वैसे आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, मना नहीं कर रहे, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अभी घंटे वाली और मिनट वाली दोनों साथ में मूव करेंगी 12:01 पे, हमेशा हर टाइम दोनों ही साथ में मूव करती हैं, तो घटा दो यार, दोनों के बीच का एंगल 5.5 डिग्री का आएगा, पहला ऑप्शन बनेगा। फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो भी आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करके क्लास ओपन हो जाती है भाई, ठीक है, अच्छे से लिंक पे क्लिक करो हो जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी लिंक आएगी, वहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आंसर 5.5 डिग्री आएगा, आप लोग फॉर्मूला लगा के कर लेना ज़्यादा बेस्ट है, ऐसे ही तुक्काबाजी करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने पहले ही तुक्काबाजी करी, 6 डिग्री लगा दिया, गलत हो गया। ठीक है, हाँ तो बेटर है कि फॉर्मूले से कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके चलिए, एक और क्वेश्चन है गाइज, 4:35 पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, चेक करो ज़रा फटाफट से, देखते हैं इस वाले को कौन से निकाल देते हैं, कितने लोग निकाल देते हैं। अच्छा पहले वाला दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा था तो भी, अगर दिख नहीं रहा था हाँ पहले वाला तो भी गलत आंसर थोड़ी देते हैं, आंसर तो राइट देना चाहिए ना, भले ना दिख रहा हो। हो गया 4:35 पर रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, समझ गए रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, याद है 60 into hour, कौन सा आवर जो यहाँ दिया गया है, -11 into minute, कौन सा वाला मिनट जो यहाँ पे दिया गया है 35 डिग्री, राइट। ठीक है, 1/2 यहाँ आएगा 240, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैडम छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस का तो नहीं आएगा, मॉड्यूलस लगाए पॉजिटिव आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ बचेगा 5, 4, 1, 145/2, 72.5 डिग्री। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आती है इसको 360 से घटाना होता है, बताया गया है ना, तो 360.0 - 72.5 डिग्री घटाना तो आता होगा सबको, 287.5 डिग्री का कोण बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आ गया होगा सबके सामने, बना लीजिएगा। क्लियर है ये वाला मेथड, बताइए। अब आप दोनों एंगल्स निकाल सकते हो, कोई भी सवाल पूछे कैसे भी पूछे, ठीक है, घड़ी का कहीं से भी आ जाए, एंगल निकालना हो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो 360 में से माइनस कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, चलो ठीक है एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले तो आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूं, कुछ और थोड़ा बता देती हूँ, एक और चीज, अब जैसे कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तब क्या करना है, मान लो ये तो सरल सरल है, मान लो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ गए फिर क्या करेंगे बताइए। 12:00 जैसे आपसे पूछा जाए 12:20 पर परावर्तन कोण निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो कितने का बताओगे, निकालो जरा 12:20 पर रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बनेगा, चेक करें। ये देखो
फॉर्मूले से ही करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है हमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। चलिए निकालते हैं, देखिए 12:20 की बात कर रहे हैं, तो 1/2 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, 16 × 12 = 12 -11 × 2 कौन सा मिनट रखेंगे जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है निकाल लो। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 720, यहाँ पे आ जाएगा 220 घटाने पर, हाँ बिल्कुल सही, घटाने पर अगर आप निकालेंगे 500 × 2 कितना आता है यहाँ पे 250 250 degrees। अब मैडम के कहने के अकॉर्डिंग जैसा मैडम ने कहा था कि ये जो वैल्यू आती है फिर इसे 360 से घटा था, इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है डायरेक्टली यही हमारा आंसर है, 250 इज द एक्सटीरियर एंगल, इसको घटाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं घटाना पड़ेगा बताओ, आप कहोगे मैडम आप तो कह रही थी घटाते हैं, अब आप घटा नहीं रही हो, अलग अलग बता रही हो, क्यों नहीं माइनस करना है? क्योंकि जितने भी अभी तक हमने माइनस करे थे वो सारे 180 से छोटे थे, इंटीरियर एंगल थे वो सब, 180 से छोटी वैल्यू थी तो घटाना पड़ता था, ये अपने आप में 180 से बड़ा एक्सटीरियर एंगल है अपने आप में, इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 12:20 का पूछा था, 12 का पूछा था, ये एक्चुअल में 12 वाले एक्सेप्शन केस होते हैं जिसमें ऐसा फंस जाता है, 180 से ज़्यादा अपने आप ही आता है, घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें डायरेक्टली ये आएगा, इसको घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, घटाइएगा नहीं इसको, है ना, अपने आप में परावर्तन है। अच्छा मान लो अगर इसी वाले क्वेश्चन में इंटीरियर पूछा जाता तो फिर क्या जवाब देंगे? अगर इसमें आंतरिक कोण पूछ लेगा तो सीधी सी बात है यार, दोनों की वैल्यू 360 होनी चाहिए, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, दोनों को मिलाकर 360 आता है, सीधी सी बात है। ये थोड़ी ना बोला था कि भैया घटाना ही घटाना हमेशा रूल बना दिया, ऐसा थोड़ी था। मैं तो कहा था कि घटा देना, ठीक है चलो अब इंटीरियर एंगल के लिए घटा दो यार, 360 से घटा दो, इस बार 360 से 250 को घटा दो, देखना भी तो पड़ता है, अपना दिमाग लगा के रीजनिंग में काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते। 110 आएगा यहाँ पे, ठीक है 110 आंतरिक कोण होगा और एक्सटर्नल 250, बताओ क्लियर है? हाँ हो जाएगा, चलिए क्लियर है, आगे चले। इसी तरीके से आज मैं कराऊंगी अगली क्लास में डाइस भी और रेक्टेंगल भी, ठीक है रैंकिंग भी, पासा पढ़ना हो शुरुआत से अगली क्लास 10 बजे से, ठीक है हाँ भूलेगा नहीं, डेली होती है हमारी टॉपिक, कुछ ना कुछ करते हैं हम लोग, आज का टॉपिक रहेगा डाइस का, ठीक है लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर दिए और टेलीग्राम पे भी मैं बता दूंगी, है ना ये वाला ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करें ज्वाइन हो जाएगा आपका क्लास, ठीक है। ऊपर चेक करिए, ऊपर चेक करिए जो लिंक दी गई है, ठीक है क्वेश्चन चेक करो जरा, मिरर इमेज पूछा गया इस बार, हाँ भैया मैं बहुत अच्छी हूँ मैंने सुन लिया यार, अब पढ़ भी लो, नहीं तो फिर बेकार बन जाऊँगी मैं, कहोगे कि मैडम आप बेकार बन गई, बहुत अच्छी हूँ मैं सुन लिया मैंने, पढ़ लो मेरे भाई, मैं अच्छी तभी तक हूँ जब तक पढ़ रहे हो, पढ़ लो बेटर है, टाइम वेस्ट मत करो। चलिए गाइस मिरर इमेज निकालना है ना जब, तो देखो भाई मिरर इमेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, मिरर इमेज का मतलब ये होता है जैसे आपकी घड़ी में कितने बज रहे हैं आप लोग खुद ही बताना आंसर, ठीक है 3 बज रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। दर्पण रख दिया गया है यहाँ पे, मान लो मिरर रख दिया गया, मिरर में लेफ्ट राइट चेंजेस होता है ना, तो बताइए कितने दिखेंगे मिरर में, अगर घड़ी में 3 बज रहे हैं तो मिरर में कितना दिखेगा बताओ, खुद ही बता दो ऐसे ही देख के बता दो। हाँ 3 बज रहा है अगर मिरर में, समय हो रहा है, मिरर इमेज इसका कितना बनेगा बताइए, खुद ही बता दीजिए, ऐसा नहीं दिखेगा जैसे लेफ्ट राइट ये यहाँ पे आ गई, ये आपकी यहाँ पे आ गई, ऐसा लगेगा जैसे 9 बज रहे हैं, है ना ऐसा लगेगा जैसे 9 बज रहे हैं, ठीक है राइट, क्योंकि 3 वाली सुई 9 पे चली जाएगी बस इतना ही, है ना 3 वाली सुई 9 पे चली जाएगी बस इतना ही होगा। तो अभी बार बार डायग्राम बना बना के पेपर में थोड़ी देखेंगे, इतना समय थोड़ी होता है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें, हमें एक सरल सा तरीका अपनाना है, हमारे पास घड़ी में 12 घंटे होते हैं और 24 घंटे होते हैं,
हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 12 को हम लिख सकते हैं घड़ी की भाषा में 11 घंटे 60 मिनट, और 24 को लिख सकते हैं घड़ी की भाषा में 23 घंटे 60 मिनट। कन्वर्ट कर लीजिए, जो भी समय दिया उसे इसमें से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, जो भी समय आपका पूछा जा रहा है आप उसे 11:60 से या 23:60 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है, लिख लीजिएगा। ओके, लिख लो। ठीक है, तो जो भी समय दिया जाए उसे 11:60 से घटा सकते हो, 23:60 से भी घटा सकते हो, है ना, दोनों से घटा सकते हो भैया। ओके, तो घटा दो यार, फिर क्या है, ये जो दिया गया समय था क्या था, 7:23 को घटा दो, घटाना तो सबको आता ही है। 11:60 से आप माइनस कर दीजिए 7:23 को, कितना आएगा, 4:37 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन भी दिया हुआ है, सी ऑप्शन है, ठीक है, सही है ना। ओके, नेक्स्ट इसको भी बताओ जरा फटाक से, क्या बनेगा। 10 बजे वाली क्लास इसी के बाद है अनअकैडमी पर, फ्री वाली, लाइव 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 रहती है। लिंक ऊपर दी गई है कमेंट सेक्शन पे, टेलीग्राम पे भी आ जाएगी अभी लिंक, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर लिंक दी गई है 10 बजे वाले क्लास की कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। घटाओ, अरे घटा दो अबे घटा दो जल्दी, 3:45 को घटाने पे क्या आंसर आ रहा है, 11:60 से घटाना, ठीक है, 3:45 को क्या आएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आएगा, 8:15, ठीक है, ऑप्शन दिया है, वेरी गुड, क्या बात है। चलो इसको बताओ, 12:36 का टाइम दिया है तो क्या होगा, हाँ ये वाली क्लास 9 बजे ही लगती है डेली रात को, सैटरडे संडे को भी, है ना, सैटरडे को भी संडे को भी 9 बजे ही लगती है, ऑल 7 डेज। नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते भाई, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं सिर्फ, ऑनलाइन ही पढ़ लो उतना ही बहुत है, ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। 12:36 बताओ, अब 12:36 को 11:60 से तो नहीं घटा सकते, छोटी वैल्यू है, तो 23:60 में से घटा दीजिए, 23:60 में से घटा दीजिए, ठीक है, कितना बनेगा, 11:24 आंसर आ जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर पे करके देख सकते हो, ठीक है। मिरर इमेज क्लियर हो गया, 3 चीज़ें क्लियर हुई हैं आज, मिरर इमेज क्लियर, हाँ ओके, चौथी चीज़ हम क्लियर करने जा रहे हैं, वाटर इमेज, चेक करो वाटर इमेज, वाटर इमेज कैसे निकाले मैडम, वाटर इमेज कैसे निकाले, वाटर इमेज के लिए 1830 से माइनस कर सकते हैं और 1790 से माइनस करते हैं, 6:30 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो 6:30 से इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमारी घड़ी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, ये आधा 6:30 से माइनस कर देते हैं, आधा ये पार्ट आधा ये पार्ट, अप डाउन चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो या तो 1830 से घटा सकते हैं या 1790, बात बराबर है, लिख लीजिए। वाटर इमेज के लिए, वाटर इमेज का मतलब है अगर पानी रखा होगा नीचे घड़ी में, ठीक है, तो कैसे दिखेगा पानी में घड़ी की इमेज क्या दिखेगी, है ना। 10 बजे वाली क्लास लाइव होती है यार, बता तो दिया, बाद में रिकॉर्डेड मोड में जाती है वो, पहले लाइव होती है अभी 10 बजे से, ठीक है, लाइव बाद में रिकॉर्डेड मोड में बाद में दिखती है, कल दिखेगी, आज तो लाइव रहेगी, कल रिकॉर्डेड में दिख जाएगी, लाइव ही अटेंड करो वो ज़्यादा बेटर है। चलो अगला सवाल का आंसर देना, 5 बज रहे हैं तो आपसे पूछा गया है वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसे निकालेंगे, 18:30 से घटा दीजिए, 18:30 से किसको घटाएंगे, दिए गए टाइम को, 13, अरे यार 13 का मतलब 31 कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है, 130, क्लियर है, क्लियर है सभी को, चलो ठीक है, एक और सवाल करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 10 PM 5 मिनट बाद से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज का टॉपिक होगा पासा और रैंकिंग, डाइस और रैंकिंग, ठीक है, चलिए
अरे यार एक सेकेंड, हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन। चलो आप लोग ऐसे ही बता दो, ये वाला निकाल लिया ना आपने, एक और बताओ जरा। आप लोगों से मान लो अगर 8 बजे का पूछा जाएगा तो, मान लो 8 बजे का पूछा जा रहा है वाटर इमेज, तो क्या निकालेंगे बताइए। अगर 8 बजे का पूछा जा रहा है कि घड़ी में 8 बज रहे तो मेरे वाटर इमेज क्या होगा, तो क्या निकालेंगे? अभी वाटर इमेज वाला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। उसको भी 18:30 से घटा दीजिए, 18:30 से 8 को भी घटा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 10:30। ठीक है, डायरेक्ट। तो आपने 4 चीज़ें सीखी हैं, एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, चारों ही मेन होती है। ठीक है, आधे घंटे के अंदर आपने सारी चीज़ें सीख ली, 1 घंटा मान लो, 9 से चल रही है क्लास। ठीक है, चलो 90% क्लॉक आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करिएगा, 90% क्लॉक आपका इससे कवर हो जाएगा। रिवाइज लेकिन करते रहना, आज ही याद करोगे कल भूल जाओगे। ठीक है, रिवाइज करते रहना नहीं तो भूल जाएगा। घड़ी मान लो सुबह 8 बजे का समय दिखाती है और दोपहर को 2 बजे क्या समय दिखाएगी, तो ये तो इजी है। 8 बजे हमारी घड़ी यहाँ रहती है, देखो सुई घंटे वाली 8 पे रहती है यहाँ पे, और 2 बजे के टाइम पे 2 पे रहती होगी, यहाँ 2 होते हैं वैसे भी, है ना, ये 12 होते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यही पूछा था कि घंटे वाली सुई कितना डिग्री रोटेट कर चुकी है, 8 बजे 8 पे होती है, 2 बजे 2 पे होती है, पूरा एक सी स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है वो आप करोगे होमवर्क में, इसके बाद का सेशन कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, 9 बजे से रात को अगली क्लास करने जा रहे हैं, 10 बजे क्लास बिल्कुल फ्री है, ऐप पर होती है डेली टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक रहेगा डाइस और रैंकिंग, पासा और रैंकिंग। ठीक है, कोड अगर पूछे क्लास में जाने के लिए ये कोड लगाइएगा, RITIKA10 RITIKA10। जाना कैसे है क्लास में, 2 से 3 तरीके हैं, बता देती हूँ मैं। ठीक है, अगले क्लास करने जा रहे हैं। पहला तरीका ये है जो लिंक दिख रही है आपको यहाँ पे ऊपर नीले नीले कलर की, इस पर क्लिक करो, वो मेरी प्रोफाइल लिंक है, वहीं पे स्पेशल क्लास लाइव क्लास में आपको दिख जाएगी, 10 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो सारे लोग, ये कोड दिया है, ये कोड है, स्पेस मत लगाइएगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आप लोग मान लो टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हो, ये टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं ऐप, सर्च करें चैनल रितिका तोमर ऑफिशियल, इस पे ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पे भी लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, देन क्लास ओपन हो जाएगी। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लगी होगी। ठीक है, ओके, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक लगी हुई है। नेक्स्ट, अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, तो सीधे एन अकेडमी पर जाइए, ऊपर मेरा नाम सर्च करिए और क्लास अटेंड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करोगे एन अकेडमी पर जाके, जब हमें क्लास करनी होती है तो हम टीचर का नाम सर्च कर लेते हैं, वहाँ से भी आपको क्लास मिल जाती है। तो मेरा नाम रितिका तोमर सर्च करेंगे तो क्लास मिल जाएगी लाइव। ओके, बाकी सारे फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे ऐप में दिखेंगे जब आप कोर्सेज सब्सक्राइब करोगे अन अकेडमी को। कोर्सेज वाली अलग क्लासेस होती हैं जिसमें कोर्स चलते हैं, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ आपको कोर्सेज दिखेंगे ये सारे, इस प्राइस में आपको मिलेगा। अगर डिस्काउंट चाहिए तो भी आपको यही कोड लगाना पड़ेगा, ये वाला डिस्काउंट के लिए, 20% का डिस्काउंट भी हो जाएगा कॉइन्स के साथ। ठीक है, और अभी फ्री क्लास जो लोग जाएंगे पहली बार वो भी इसी कोड से जा सकते हैं, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो भैया। ठीक है, तो अगली क्लास कल करेंगे इसी टाइमिंग पर, कोड ये लिखा हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, सबसे सरल तरीका यही है।
क्लास में ज्वाइन करने का, टेलीग्राम सर्च ज्वाइन करें फटाफट से, है ना। और ये क्लास जब तक चल रही तब तक लिंक वर्क करी, नहीं तो नहीं करेगी, फिर मत कहना मैम लिंक वर्क नहीं करी। इसलिए दिखते दिखते ये लो जो लिंक ऊपर दिख रही है उसी पे क्लिक कर लो फटाक से, है ना। जो लिंक ऊपर दिख रही है उस पे सारे लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सारा लिंक काम करता है भाई, तुमको ज्वाइन करना नहीं आता रहने दो, सारा लिंक काम करता है, सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी लिंक आ जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना सीधे सीधे अनअकैडमी पे जाओ, रितिका तोमर नाम सर्च करो, लाइव क्लासेस चलते हुए दिख जाएगी, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं इस क्लास में 9 बजे रात को, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो क्लास इससे भी बेस्ट होती है, ये क्लास बेस्ट लगी ना उसमें भी आ जाओ, वो क्लास इससे भी बेस्ट होती है, यकीन मानिए, वहाँ भी मैं ही पढ़ाती हूँ, इससे भी बेस्ट पढ़ाती हूँ। और उसके बाद 11 बजे स्पीड बूस्ट है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, यहाँ से भी ज़्यादा वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। आप लोग खुद आओगे, खुद देखोगे, खुद पता चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे यहाँ पे कल। ओके, थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।